500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके आज अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी हो रहा है। भाइयों बहनों, क्या ये कार्य कांग्रेस करा पाती? कांग्रेस आपकी आस्था को सम्मान दे पाई? क्या कांग्रेस दे पाएगी? क्या कांग्रेस देश का सम्मान बढ़ा पाएगी? और भाइयों बहनों, न कांग्रेस आपकी आस्था को सम्मान दे सकती है, न देश का सम्मान बढ़ा सकती है। विकास के कार्यों को मैं भी आ रहा था सड़क मार्ग से, सड़कों पे जगह जगह गड्ढे हैं, बहुत सारी जगह तो ये भी नहीं पता लगता कि गड्ढा है या सड़क है, सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है, ये भी पता नहीं लग रहा था। और भाइयों बहनों, जब एक भ्रष्ट सरकार कार्य करती है तो परिवारवाद तो हावी होना ही होना है। और राजस्थान में तो, और केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में तो, यहां पे टैक्स भी वसूला जाता है, सुना है मैंने, यहां कोई टैक्स लिया जाता है। ऐसे ही माफिया पहले उत्तर प्रदेश में भी हावी थे, 2017 के पहले। और भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश में माफिया के लिए ही हम बुलडोजर लेके आए थे। आज देखते होंगे ना उत्तर प्रदेश का बुलडोजर जब चलता है, अच्छे अच्छे माफियाओं की गर्मी शांत कर देता है। और गर्मी ही नहीं शांत करता है, जितना जनता को लूट करके रखा हुआ उस पैसे को सरकारी खजाने में रख करके फिर गरीबों के लिए आवास बनाने का काम हम लोग करते हैं उस पैसे का। और यहां पे तो मुझे बताया गया है यहां की सरकार तुष्टीकरण की नीति पर चल करके यहां के धर्म स्थलों पर पैसे को खर्च करने से रोकती है, यानी धार्मिक स्थलों पे पैसा खर्च न हो इसके लिए सरकार यहां पर लगातार इस प्रकार की बंदिशें लगाती हैं। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। आपने देखा होगा 5 साल कांग्रेस नेतृत्व की सरकार के कार्यकाल को देखा है, और 5 साल इससे पहले भारतीय जनता पार्टी की वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व की सरकार के भी कार्यकाल को आपने देखा है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, एक तरफ विकास सुरक्षा और सुशासन है और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार अराजकता और गुंडागिर्दी और माफिया राज हावी होता हुआ दिखाई देता है। भैया बहनों, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ही आपको सुरक्षा की गारंटी दे सकती है, सुशासन का वायदा कर सकती है, पूरी समृद्धि का वायदा कर सकती है। ये टूटी फूटी सड़कें हो, यहां पे निवेश का माहौल बनाने का कार्यक्रम हो, या किसी भी प्रकार के अन्य योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए आपने मोदी जी के नेतृत्व में देखा है। भाइयों बहनों, पिछले 9 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बने, 4 लाख गरीबों के लिए आवास की सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई, 4 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम हुआ। और यही नहीं, कोरोना कालखंड में 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिला। तो अगले 5 वर्ष के लिए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मिलेगा। भाइयों बहनों, क्या ये काम कांग्रेस कर पाती? और कांग्रेस को तो देश के अंदर आपने 55-60 वर्षों तक मौका दिया ही था।